हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो यह वीडियो है फ्राइडे की 26 तारीख की। तो मैं जा रही थी स्कूल यानी कि रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए, तो मैं यहाँ पे तैयार थी। मेरे साथ प्राप्ति जा रही थी, तो मास्क वास्क हमने लगा लिया था, सैनिटाइजर लगा लिया था हाथ में, और जा रहे थे हम स्कूल। तो मैं आ गई थी स्कूल से, उसके बाद मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कितने कितने नंबर आए हैं लोगों के। ये रिपोर्ट कार्ड दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये है बच्चों के नंबर। देखिए, गौरव का रिपोर्ट कार्ड है, अपने क्लास में आया फर्स्ट 545 600 में से। ये हैं उसके मार्क्स, मतलब टोटल। तो आया अपने क्लास में फर्स्ट। अब मैं प्राप्ति का दिखाती हूँ। ये मॉर्निंग का ही टाइम है, 10:30 बजे का टाइम। तो ये है प्राप्ति का। प्राप्ति भी अपने क्लास में फर्स्ट आई है, और ये है उसके नंबर, ये देख लीजिए। सारी सब्जेक्ट के ये हैं उसके फाइनल नाम के, और वो भी अपनी क्लास में फर्स्ट है। उसके है 580, मतलब 600 में से 580 20 नंबर उसके कम है। ये तो उसका रिपोर्ट कार्ड है। वही मेरे साथ ही गई थी स्कूल। अभी मैं पीहू का रिपोर्ट कार्ड आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है मेरी पिहूड़ी का रिपोर्ट कार्ड। ये देखिए, प्रियांशी थपलियाल, ये उसके नंबर 90, 94, 67, 65, 75, इस तरह से है उसके 391। और वो उसका स्थान था अपनी क्लास में छठवां, 6 आई वो अपनी क्लास में। तो इस तरह से बच्चों का रिपोर्ट कार्ड रहा। अभी आ गए हम स्कूल से, और प्राप्ति गौरव के तो ठीक हैं, लेकिन पीयू ने थोड़ा निराश कर लिया। पीयू के बहुत कम मार्क्स आए हैं, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी, बहुत मार खाती थी पढ़ाई में। पेपरों के टाइम में उसे बिल्कुल याद नहीं होता है। प्राप्ति अलग से उसे पढ़ाती थी, मैं अलग से, लेकिन देखते हैं अब अगली क्लास से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसके साथ। इसका अपने क्लास में छठवां स्थान है, मतलब 6 है अपनी क्लास में, समझ लो धक्के मार के ही पास हुई होगी। पूरी क्लास में 6वां नंबर है इसका, और ये दोनों तो फर्स्ट आए अपनी क्लास में। तो चलो, अब नया सेक्शन शुरू होगा, इसीलिए पीयू मायूस है। मायूस नहीं होना, बल्कि मेहनत ज़्यादा करनी। सुबह से लेकर मैं बोल रही थी जीके पढ़ो बेटा, जीके पढ़ो, आप पढ़ने रही थी। अब इसको देख के थोड़ी होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, है ना। कौन सा नंबर है आपका अपने क्लास में, रैंक क्या है आपकी? 6 कितने दूर होते हैं ना, फर्स्ट नहीं तो सेकंड थर्ड तक तो होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छे हैं नंबर, ठीक है। 5 बच्चे आपसे अच्छे हैं पढ़ने में, छठवां, ठीक है, कोई बात नहीं। आपके फर्स्ट टर्म में सही आए, सेकंड में कम आए, अभी थर्ड में भी, फाइनल में भी कम आए। फर्स्ट टर्म में आपके अच्छे थे नंबर, ठीक है। चलिए अब घर का काम काज कर लेते हैं। और ये वीडियो है संडे की, यानी कि आज की। तो मॉर्निंग टाइम में पीहू को नहाने के बाद में उसके बालों को कंघी लगा रही थी। और ये देखिए, इसका ध्यान तो ऐसा रहता है वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा। तो उसके ऑयलिंग करके मैं अच्छी तरह से कंघे लगा लूँगी। उसके बाद मैं तो मॉर्निंग में नहीं नहाई थी, मैंने आज फर्स्ट बार, मतलब फर्स्ट बार नहीं, दूसरी या तीसरी बार मैंने अपने बालों पे कलर लगाया है। लेकिन जब से मैंने ब्लॉग बनाने स्टार्ट किए ना, तब से मैं पहली बार ही शायद अपने बालों पे कलर लगा रही हूँ। तो मैं तो बाद में ही नहाई थी, अभी इसके बाद सारे काम हो जाएंगे, उसके बाद मैं अपने बालों पे प्राप्ति से कलर लगवाऊँगी। मेरे बहुत सारे बाल ना वाइट हो गए थे, बहुत ज़्यादा हो गए थे। अब जब तक कम थे तब तक मैं नहीं लगा रही थी, क्योंकि जब हम कलर या मेहंदी लगाना स्टार्ट करते हैं ना, तो और भी ज़्यादा बाल जो है वाइट हो जाते हैं, जो ब्लैक है वो भी होने लगते हैं। तो इसलिए मैं नहीं लगा रही थी, अभी तक चुप ही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा वाइट दिख रही थी। तो आज मैंने
अपने बालों को कलर लगाया। ये देखिए पीयू की तो पोनी बन गई, बना रही हूँ यहाँ पे। और उसने ये वाला रबड़ लिया, एक फर्स्ट आई ना गौरव प्राप्ति, तो उसके पापा उनके लिए चॉकलेट और लड्डू लेके आए थे ना कल, बेसन के लड्डू, तो वही वाला डब्बे पे जो रबड़ होता ना उसको आज उसको लगाने का मन हो रहा था कि मैं ये वाला रबड़ अपने पोनी पे लगाऊं, तो उसके बाल बनाऊंगी। उसके बाद उस टाइम कपड़े भी धुल रहे थे, तो मॉर्निंग में ही ये वीडियो है संडे की, आज की, और आज ही अपलोड कर रही हूँ। तो साथ ही साथ कपड़े वगैरह भी धुल रहे थे और इसके बाल बना रही थी, तो बाकी की तो मैं रूटीन का नहीं बना पाई, बस थोड़ा थोड़ा जहाँ पे शूट किया मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बने रहेगा गाइस वीडियो में, और वीडियो देख के कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, बताइएगा वीडियो कैसे लगी आप लोगों को। यहाँ पे पीयू के तो मैंने बाल बना लिए थे, उसके बाद मम्मी के बालों पर मैं ऑयल कर रही थी और उनके भी बाल बना लूँ, तो बैठी हुई थी मम्मी यहाँ पर, तो मैं कंघी लगा रही थी और उस टाइम मेरे बालों पे प्राप्ति ने कलर लगा लिया था, इसीलिए मैंने बाल अपने ऐसे खुले छोड़ रखे थे। बस मैंने ज़्यादा नहीं लगाया, हल्का हल्का लगाया बालों की जड़ों पे ना, जहाँ जहाँ पे सफ़ेद थे, तो अच्छी तरह से मतलब जो ज़्यादा वाला होता है वो नहीं लगाया मैंने, हल्का हल्का ही लगवाया उसको, कि थोड़ा थोड़ा ही लगा, ज़्यादा मत लगा। चलिए बने रहिएगा आप लोग। यहाँ पे जब मैंने अपने बालों पर कलर लगवाया ना प्राप्ति से, उसके बाद जब मैं मम्मी के बालों पे कंघी लगा रही, तो मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, मतलब पता नहीं क्या हो रहा था मुझे, जैसे सिर भारी भारी सा हो रहा था और अजीब सा लग रहा था मुझे। तो उसके बाद मैंने कहा मम्मी मैं नहीं सुखाती बालों को, बस मैं ऐसे ही हेयर वॉश कर लेती हूँ, होंगे बाल ब्लैक तो ठीक है, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, रहता मुझे अजीब सा लग रहा है क्योंकि सूट नहीं करता, और सबको भी कलर जो है ना ये सूट नहीं करते हैं, किसी किसी को करते हैं, और मैंने कभी लगाया भी नहीं इसी वजह से। तो मम्मी को तो, मम्मी का तो पहले से ही लगा रखा है, मेहंदी लगा रखी है मम्मी की, मम्मी बोल रही थी कि मेरे बालों पर भी थोड़ा सा लगाना था, पर ये वाला मत लगाओ, मैं तो लाल वाला ही लगाऊँगी, लाल वाला सही रहता है ना, तो मैंने कहा जब हेयर वॉश करोगी तब लगाऊंगी मैं। और उसके बाद कपड़े मेरे उस टाइम धुल रहे थे, किचन की मेरी अच्छी दशा हो रखी थी, उसके बाद क्या बस थोड़ा सा ये हो जाता ना, मम्मी के साथ बैठे रहो, बातें करते रहो, इतने टाइम बाद आए हैं तो ऐसे ही हो जाता है। और सोचा था मम्मी आएगी तो मतलब कुछ मम्मी को बोलूँगी चलो घूमने चलो, ये खाओ खाओ, मम्मी ने तो कुछ खाती हैं इसीलिए तो उनकी ये हरकत हो रही, हालत हो रखी है, मतलब देखी कैसे हो रही है, कुछ भी बोलती है, ये भी मुझे पाचन नहीं होता, वो भी नहीं होता। चलो अभी ऐसे ही होता है, कलर लगाती हूँ अपना, मैं ये वाला गार्नियर का ही गार्नियर का लगाती हूँ, नहीं मतलब लगा रही हूँ मैं, कभी बालों पर कलर नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं, एक या दो बार शायद मैंने अपने बालों को कलर किया था बहुत पहले, और मेरे बाल जो है वाइट होने लगे, तो ये लाया हुआ था मेरा, काफ़ी टाइम हो गया इसको, तो इसको लगाती हूँ मैं। ऐसे ही था एक वाला आगे आगे खराब है, पियो कुछ लाना तो था लिखे कलर के को ये कहाँ जाओ को यहाँ तो आप दिखा नहीं रहे, वहाँ दिखा रहे हो, मैं पल्लू में करने वाली थी मैं। मम्मी
मेहंदी जो एक कलर है वो मैंने बना लिया था, और प्राप्ति मेरे बालों पे लगा रही थी, और मैंने इसे ना डब्बे के ऊपर में कटोरी रखी ताकि मेरे हाथ पे जो है कलर ना लगे, काला ना हुए। उसके बाद ही मैं नहाऊंगी। बस हल्का हल्का ही लगवाया मैंने, ज़्यादा नहीं लगाया, क्योंकि थोड़ा ही बाल जो है ना मेरे वाइट थे अभी तो नीचे जड़ों पे, तो मैंने कहा जहाँ जहाँ पे वाइट है ना थोड़ा ही लगा, और ज़्यादा ये कलर वलर जो है ना लगाना भी नहीं चाहिए ज़्यादा। और बगल में थोड़ा पानी मैं कर रही थी गुनगुना, बाल्टी में लगाया हुआ अपने बालों को धोने के लिए। और उसके बाद कलर लगाने के बाद मैं हेयर वॉश करके आ गई थी, नहा के आ गई थी, और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं अब इस टाइम ना, बाल सिल्की से भी लग रहे हैं। तो मैं नहा के आ गई थी, इस तरह से मैंने कलर लगाया, देख लीजिए आप बालों को कितने शाइनी से लग रहे हैं ना। इसके बाद अब मैं बालों को हल्के से कंघी लगा लेती हूँ, उसके बाद चलते हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो उसी के साथ जो कंडीशनर रहता है ना, जो कलर लगाया मैंने उसी के साथ रहता है कंडीशनर, तो वही मैंने बालों पे लगाए। अभी देखो कितने अच्छे लग रहे हैं बाल, बिल्कुल सिल्की से। और मैंने थोड़ी देर रखा, मुझे जैसे ना लगाने के बाद सिर दर्द सा हो रहा था, सिर बारी बारी हो रहा था, तो मैंने सूखने भी नहीं दिया। जैसे कलर लगाया उसके तुरंत बाद ही मैंने हेयर वॉश कर लिया था, क्योंकि मुझे अजीब सा हो रहा था, जैसे सिर दर्द सा हो रहा था, फिर भी जो है अच्छा कलर आया बालों पे। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो मेरी इतनी ही थी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। जो लोग फर्स्ट बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। मिलेंगे जल्द ही एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।